गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विनय श्रीवास्तव, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी इंग्लिश ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ चैप्टर, आवर हाउस इज ऑन फायर, बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स एंड स्पीचेस ऑफ क्लास 7। स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो लेट्स डिस्कस द चैप्टर। हियर इज द चैप्टर, आवर हाउस इज ऑन फायर। अगर हम टाइटल की मीनिंग समझें, आवर हाउस, हमारा घर, इज ऑन फायर, यानी आग पर है, आग में है। इसका मतलब निकल के ये आता है कि हमारे घर में आग लगी हुई है। आइए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। नाउ रीड अबाउट अ स्वीडिश गर्ल टू नो व्हाई सी वांट्स एडल्ट्स एंड लीडर्स टू बिहेव एज इफ आवर हाउस इज ऑन फायर। आइए रीड अबाउट ए स्वीडिश गर्ल, हम एक स्वीडिश गर्ल के बारे में पढ़ते हैं, टू नो, यह जानने के लिए कि व्हाई सी वांट्स एडल्ट्स एंड लीडर्स टू बिहेव एज इफ आवर हाउस इज ऑन फायर, कि वह क्यों चाहती है कि वयस्क और नेता ऐसा व्यवहार करें जैसे कि हमारे घर में आग लगी हो। हैविंग जस्ट स्टार्टेड नाइन्थ ग्रेड, ग्रेटा थनबर्ग, ए 15 ईयर ओल्ड स्वीडिश गर्ल, डिसाइडेड टू नॉट गो टू स्कूल फॉर 3 वीक्स। हैविंग जस्ट स्टार्टेड नाइन्थ ग्रेड, नाइन्थ स्टैंडर्ड में शुरुआत करने पर ही ग्रेटा थनबर्ग, ए 15 ईयर ओल्ड स्वीडिश गर्ल, एक 15 वर्षीय स्वीडिश गर्ल, जिसने ये निश्चय किया टू नॉट टू गो टू स्कूल फॉर 3 वीक्स, कि वो 3 सप्ताह तक अपने विद्यालय नहीं जाएगी। इट वॉज द 20th of August 2018, ये 20 अगस्त सन 2018 की बात थी। इंस्टीट्यूट सी हीडेड ओवर टू द स्वीडिश पार्लियामेंट, और इसके बावजूद सी हीडेड ओवर, वो कहाँ पहुँची, स्वीडिश पार्लियामेंट, वे स्वीडिश के संसद भवन में पहुँची। होल्डिंग अ साइन विद अ मैसेज, उसके हाथ में एक साइन था विद अ मैसेज, जिसमें एक मैसेज लिखा था स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट। अगर हम इसकी बात करते हैं, स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, यानी ये स्कूल का स्ट्राइक है किसके लिए, फॉर क्लाइमेट, हमारे जलवायु के लिए ये स्ट्राइक है। रिजॉल्विंग टू सिट आउटसाइड इट, रिजॉल्विंग, और मन में दृढ़ संकल्प करते हुए टू सिट आउटसाइड इट, इसके बाहर बिल्कुल बैठ गई, किसके बाहर, पार्लियामेंट के बाहर वो बैठ गई। द स्वीडिश जनरल इलेक्शंस वेयर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9th September, स्वीडिश जनरल के जो इलेक्शन थे, वेयर शेड्यूल्ड, उनका जो शेड्यूल था, उनकी जो तारीख निश्चित थी, टू बी हेल्ड ऑन 9 September, जो कि 9 सितंबर को होने वाले थे। विद द हॉटेस्ट समर रिकॉर्डेड इन द पास्ट 262 ईयर्स ऑफ द टिनी स्कैंडिनेवियन कंट्री, और ये विद द हॉटेस्ट समर, ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला, सबसे ज़्यादा तापमान वाला मौसम था, रिकॉर्डेड इन द पास्ट 262 ऑफ द टिनी स्कैंडिनेवियन कंट्री, एक छोटे स्कैंडिनेवियाई देश के पिछले 262 वर्षों में सबसे गर्म तापमान की गर्मी जो है दर्ज की गई, रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स एट सीरियस वाइल्ड फायर्स, जिसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक गर्मी और गंभीर जंगली जंगल थे। द रीजन्स बिहाइंड, इसके पीछे का जो कारण था, द रीजन्स बिहाइंड ग्रेटाज 1% स्ट्राइक टुक ऑन मोर इमीडिएसी एंड अर्जेंसी, गीता के एक व्यक्ति की हड़ताल के पीछे, द रीजन्स बिहाइंड, यानी इसके पीछे का जो कारण था, गीता के एक व्यक्ति की हड़ताल के पीछे के कारणों ने अधिक महत्व और तत्परता से काम किया, इमीडिएसी एंड अर्जेंसी, महत्व के साथ। हर प्रोटेस्ट्स बिगेन ड्यू टू अ फीलिंग दैट देयर रियली वाज नो टाइम फॉर वेटिंग, उसका जो प्रोटेस्ट था, उसका जो विरोध था, बिगेन, शुरू हुआ, ड्यू टू अ फीलिंग, एक भावना के कारण, दैट देयर रियली वाज नो टाइम फॉर वेटिंग, जहां पर किसी के लिए भी कोई समय नहीं था। इन डिप्रेशन,
बट विद डिटर्मिनेशन, डिप्रेशन में मीन्स चिंता में, निराशा में, बट विद डिटर्मिनेशन लेकिन एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ, सी बिगेन हर फाइट अलोन, उसने अकेले ही अपनी लड़ाई शुरू किया, ऑल बाय हरसेल्फ, खुद से ही एक क्रूसेड टू सेव द क्लाइमेट, एक क्रूसेड, उसने एक अभियान छेड़ा टू सेव द क्लाइमेट, क्लाइमेट को बचाने के लिए उसने क्या किया, एक क्रूसेड, एक अभियान छोड़ा। हु वॉज देयर टू वेट फॉर, गीता थॉट, गीता ने सोचा, हु वॉज देयर टू वेट फॉर, वहां कौन था टू वेट फॉर, किसका इंतजार करने के लिए, यानी किसी का इंतजार करने के लिए वहां कौन था। द एडल्ट्स हैड ऑलरेडी प्लेड विद द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट, जो एडल्ट थे, जो वयस्क थे, हैड ऑलरेडी प्लेड, वो पहले से ही खेल चुके थे विद द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट, वो प्लैनेट के भविष्य के साथ पहले ही खिलवाड़ कर चुके थे। एंड पुट इट इन डीप जियोपरेडी, और इसे गहरी जियोपरेडी में डाल दिया था, और इसे गहरे गंभीर समस्या में, गंभीर संकट में इसे पहले से ही डाल दिया था। एंड इट इवन मोर अलार्मिंगली दे कंटिन्यू टू डू सो, और अभी भी इवन मोर अलार्मिंगली, बहुत ही खतरनाक ढंग से, दे कंटिन्यू टू डू सो, वो इस प्रकार का काम करना अभी भी जारी रखे हैं। डिसरिगार्डिंग एनी रिस्पेक्ट फॉर क्लाइमेट साइंस, क्लाइमेट साइंस के लिए एनी रिस्पेक्ट, बिना किसी रिस्पेक्ट के उसको क्या कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसकी अनदेखी कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। सेल्फ एडमिटेडली नो क्लाइमेट साइंटिस्ट हर सेल्फ, अगर स्वयं कोई जलवायु वैज्ञानिक नहीं होता, उसने सोचा, उसने कहा कि स्वयं से कोई जलवायु वैज्ञानिक नहीं है। गीता फर्स्ट हेयर्ड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग व्हेन शी वाज 8, गीता ने पहली बार ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना था कब, जब वह 8 साल की थी। हर टीचर फर्स्ट एक्सपोज्ड हर टू द फेनोमेनन बाय शोइंग हर फिल्म्स ऑफ स्टार्विंग पोलर बियर्स, प्लास्टिक इन द ओशन एंड सो ऑन, उसके जो टीचर्स थे फर्स्ट एक्सपोज्ड, उसे पहले से एक्सपोज्ड कर दिया था, दिखा दिया था टू द फेनोमेनन, उस अद्भुत घटना को बाय शोइंग हर फिल्म्स, उसे एक फिल्म के माध्यम से, उसे फिल्म दिखाकर, उसे उस अद्भुत घटना के बारे में पहले से ही उसे दिखा रखा था, और दिखाते हुए उस घटना को क्या किया, उजागर किया, शो ऑफ किया, जो कि किसके बारे में था, ऑफ स्टार्विंग पोलर बियर्स, भूखे भालू, प्लास्टिक इन द ओशन, और समुद्र में प्लास्टिक की ये तस्वीरें थी। सी वॉज डीपली मूव्ड बाई देम, क्राइंग थ्रू द फिल्म्स, इन फिल्मों में रोते हुए, चीखते हुए, उनके द्वारा सी वॉज डीपली मूव्ड, वो डीपली मूव्ड हो गए, यानी उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा। व्हाइल द कंसर्न ऑफ हर क्लाइमेट्स इवेंचुअली ड्रिफ्टेड टू अदर थिंग्स, जब उसके जो क्लासमेट्स थे, क्लास में जितने भी सहपाठी थे, उनके जो कंसर्न थे, उनके जो विचार थे, इवेंचुअली अंत में ड्रिफ्टेड, वो इधर उधर हो गए टू अदर थिंग्स, दूसरे विषय में, दूसरे सब्जेक्ट, यानी उनका ध्यान जो है बढ़ गया। आफ्टर द फिल्म एंडेड, जब फिल्म खत्म हुई, तो फिल्म को देखने के बाद बाकी के जो क्लासमेट थे, उनका जो ध्यान था वो इधर उधर चला गया, दूसरी जगह बढ़ गया, लेकिन सी जस्ट कुड नॉट डू दैट, लेकिन बाकी क्लासमेट की तरह वो ऐसा नहीं कर सकी, उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह नहीं जा सका। द इमेज गॉट स्टक इन हर हेड, उसकी जो इमेज थी वो उसके सर में बिल्कुल स्टक कर गई थी। सी वॉज प्रीप्लेक्स्ड एंड कन्फ्यूज, वो बिल्कुल प्रीप्लेक्स्ड हो गई, परेशान हो गई एंड कन्फ्यूज हो गई। डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस केप्ट अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ हर, जो डिस्टर्बिंग क्वेश्चन थे वो उसके सामने केप्ट अपीयरिंग, वो उसके सामने बिल्कुल अपीयर हो रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे। हाउ वॉज इट दैट, ये कैसे था कि वी वी आर नॉट रीडिंग, टॉकिंग, आर हियरिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि हम क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम के बारे में ना तो पढ़ रहे हैं, ना तो बातें कर रहे हैं, और ना ही उसके बारे में सुन रहे हैं, ऐसा क्यों था। हाउ वेयर द रेडियो हेडलाइंस एंड न्यूज़पेपर नॉट फुल ऑफ देम, किस प्रकार से रेडियो हेडलाइंस और न्यूज़पेपर उन सभी तथ्यों से भरे क्यों नहीं थे। इफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स थ्रेटेंड आवर ऑन एक्सटेंस, यदि
बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जो जलता हुआ जो जीवाश्म ईंधन है ये हमारे अस्तित्व को थ्रेटन करता है, चेतावनी देता था। तो व्हाई वेयर देयर नो रिस्ट्रिक्शंस, तो इसके लिए कोई प्रतिबंध क्यों नहीं रखे गए? व्हाई वाज इट नॉट इलीगल, ये इलीगल क्यों नहीं किया गया था? एंड हाउ कुड वी जस्ट कंटिन्यू लाइक बिफोर, और हम पहले की तरह इसको क्यों अभी तक इसको जारी रखे हुए हैं, किस तरह इसको जारी रख सकते हैं? एज इफ एवरीथिंग वाज नॉर्मल, और ऐसा सब लोग बिहेव करते हैं जैसे कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल, हर चीज बिल्कुल नॉर्मल थी। सी रिवील्ड इन आर 2018 टेडेक्स टॉक दैट एट यंग एज ऑफ 11, उसने रिवील किया, प्रस्तुत किया इन ए 2018 में एक टेडेक्स टॉक में। टेडेक्स टॉक्स इसका मतलब होता है ये एक प्रकार का इवेंट, इज अ लोकल गैदरिंग वेयर लिप टॉक्स एंड परफॉर्मेंस आर शेयर्ड विद कम्युनिटी। ये एक ऐसा जो है लाइव टॉकिंग होती है, परफॉर्मेंस होती है, जो एक समुदाय के साथ क्या की जाती है, उसे शेयर की जाती है, उसी को टेडेक्स टॉक बोलते हैं। तो उसने टेडेक्स टॉक में अपने आप को क्या किया, रिवील किया एट द यंग एज ऑफ 11, उस समय उसकी उम्र कितनी थी, 11। सी हैड बीन डायग्नोज्ड विद एस्पर्जर्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको ओसीडी कहते हैं, एंड सिलेक्टिव म्यूटिज्म, उसे एस्पर्गर जुनूनी बाध्यकारी विकार और चयनात्मक अपरिवर्तन का पता चला, ये उसके डिसीज थी। दिस सी सेड मीन दैट सी ओनली स्पीक्स इन सिलेक्टिव सिचुएशंस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस वेयर सी फाइंड्स इट नेसेसरी। इसका मतलब सी सेड, उसने कहा दैट सी ओनली स्पीक्स, वो केवल स्पीक्स बोलती है इन सिलेक्टिव सिचुएशंस, केवल चुने हुए सिचुएशंस में, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एक निश्चित परिस्थितियों में, वेयर सी फाइंड्स इट नेसेसरी, जहाँ पर वो इसे आवश्यक समझती है, आवश्यक मानती है या पाती है। ग्रीटा फाउंड अ सिल्वर लाइनिंग इन हर मेडिकल कंडीशन, ग्रीटा को अपने मेडिकल कंडीशन में एक सिल्वर लाइनिंग मिली, एक उम्मीद की किरण मिली। बींग ऑन द स्पेक्ट्रम सी डिस्कवर्ड विद इन हर सेल्फ एन इनेट एबिलिटी टू फोकस एंड कंसनट्रेट ऑन थिंग्स दैट रियली मैटर टू हर, एंड इट इज द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट दैट रियली मैटर्स टू हर। बींग ऑन द स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम होने के कारण, एक स्पेक्ट्रम होने के कारण सी डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर किया विद इन हरसेल्फ, अपने आप में एन इनेट एबिलिटी, एक जन्मजात योग्यता टू फोकस, फोकस करने के लिए, एंड कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्रचित होने के लिए, ऑन थिंग्स, चीज़ों पर, दैट रियली मैटर टू हर, जो वास्तव में उसके लिए मैटर करता था, एंड इट इज़ द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट, और ये फ्यूचर ऑफ प्लैनेट, ये प्लैनेट का एक फ्यूचर था, दैट रियली मैटर्स टू हर, जो वास्तव में उसके लिए क्या करता था, मैटर करता था, यानी उसके लिए मायने रखता था। ग्रेटा कंटिन्यूड हर स्कूल स्टूडाइज 4 days ए वीक आफ्टर दी जनरल इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस के बाद गीता ने हफ्ते में 4 दिन अपने विद्यालय जाना जारी रखा। स्पेंडिंग एवरी फ्राइडे आउटसाइड दी पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन दी कोबल स्टोन, और उसके बाद स्पेंडिंग एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार को स्पेंड करती थी आउटसाइड दी पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंटिंग के बाहर, ऑन दी कोबल स्टोन पेमेंट, एक कोबल स्टोन के पेमेंट पे बैठकर, कोबल स्टोन एक स्मॉल स्टोन टू कवर सरफेस, जो एक सरफेस को कवर करने के लिए होता है, उस पर वो क्या करती है, बैठती थी। डिस्क्राइबिंग द मोमेंट ऑफ द स्टार्ट ऑफ हर कैंपेनिंग जर्नी इन अगस्त 2018, डिस्क्राइब करते हुए द मोमेंट ऑफ द स्टार्ट ऑफ कैंपेनिंग जर्नी इन 2018 अगस्त 2018 में अपने अभियान की जर्नी, अपने अभियान की यात्रा की शुरुआत के क्षण के बारे में डिस्क्राइब करते हुए ग्रेटा ने कहा, आई पेंटेड द साइन ऑन ए पीस ऑफ वुड, मैंने
वो जो साइन था उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर पेंट किया एंड फॉर दी फ्लायर्स, और जो फ्लायर्स थे और जो प्रचार पर्ची थी, प्रचार पर्चे थे, रोट डाउन सम फैक्ट्स, उन प्रचार पर्चियों में कुछ तथ्य लिखे हुए थे। आई थॉट, मैंने सोचा, एवरी वन शुड नो, कि हर व्यक्ति को इसे जानना चाहिए कि क्लाइमेट चेंजिंग आखिर क्या है। एंड देन आई टुक माई बाइक टू दी पार्लियामेंट, और तब मैंने बाइक ली और पहुंची, पार्लियामेंट पहुंची, एंड जस्ट सैट देयर, और फिर वहीं पर बैठ गई। द फर्स्ट डे आई सैट अलोन फ्रॉम अबाउट 8:30 AM टू 3 PM। पहले दिन मैं लगभग अकेले ही 8:30 AM से 3 PM तक अकेले ही वहाँ बैठी थी। द रेगुलर स्कूल डे, और स्कूल रेगुलर था रेगुलर स्कूल डे में। एंड देन ऑन दी सेकेंड डे, और दूसरे दिन, पीपल स्टार्टेड ज्वाइनिंग मी, लोगों ने मुझे ज्वाइन करना शुरू किया। आफ्टर दैट, और इसके बाद से, देयर वेयर पीपल देयर ऑल द टाइम, वहाँ पर हर समय लोग रहते थे। एज पिक्चर्स एंड नॉलेज ऑफ द स्वीडिश स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट स्टार्टिंग स्प्रेडिंग अराउंड थ्रू सोशल मीडिया, पिक्चर्स के रूप में नॉलेज ऑफ द स्वीडिश स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, स्वीडिश स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के नॉलेज के रूप में स्टार्टेड स्प्रेडिंग, फैलना शुरू हो गया था अराउंड थ्रू सोशल मीडिया, किसके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, यानी स्वीडिश छात्र के विरोध के जो चित्र थे और जो उनका ज्ञान था, सोशल मीडिया के माध्यम से चारों ओर फैलने लगे। ग्रेटा सोली स्टार्टेड विटनेसिंग हर सोलिटरी स्टैंस इवॉल्विंग इंटू अ ग्लोबल मूवमेंट, और ग्रेटा ने धीरे धीरे शुरू किया विटनेसिंग, देखना हर सोलिटरी अपने एकाकी स्टैंस को, रवैये को एलविंग एवोल्विंग और डेवलप करना, विकसित करना इंटू अ ग्लोबल मूवमेंट, एक वैश्विक मूवमेंट के रूप में, एक वैश्विक आंदोलन के रूप में। यानी ग्रेटा ने धीरे धीरे एक ग्लोबल आंदोलन में विकसित होने वाले अपने एकाकी रवैयों को देखना शुरू कर दिया था। डिलीवरिंग पब्लिक स्पीचेस, ग्रेटा अब पब्लिक स्पीच डिलीवर करने लगी। स्पीकिंग एट क्लाइमेट रैलीज, क्लाइमेट रैलियों में बोलने लगी। एड्रेसिंग प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस को एड्रेस करने लगी, संबोधित करने लगी। ग्रेटाज एक्टिविज्म फॉर द एनवायरनमेंट हैज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ग्रेटा का जो एक्टिविज्म था, जो उसका सक्रियता थी फॉर द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए, हैज स्प्रेड, वो फैल गई थी ऑल अक्रॉस द ग्लोब, लगभग पूरे विश्व में। यानी ग्रेटा की जो सक्रियता थी पर्यावरण के लिए, वो लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, वो पूरे संसार में फैल गई थी। ओवर 1.4 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन हैव रिस्पोंडेड टू हर कॉल, लगभग 1.4 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल के बच्चे थे, हैव रिस्पोंडेड टू हर कॉल, उन्होंने उसके कॉल का रिस्पोंड किया, किसके लिए, फॉर स्ट्राइक्स, स्ट्राइक के लिए, टू ड्रा अटेंशन, ध्यान केंद्रित करने के लिए, एंड ड्राइव कलेक्टिव एक्शन फॉर द क्लाइमेट, और क्लाइमेट के लिए सामूहिक कार्यवाही करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थे। द मूवमेंट हैविंग स्प्रेड टू मोर देन 1800 सिटीज इन 130 कंट्रीज, ये जो आंदोलन था ये लगभग 130 देशों के 1800 शहरों में बिल्कुल पूरी तरह फैल चुका था। इज नाउ पॉपुलर, अब वो इतना पॉपुलर हो गया था विद द सोशल मीडिया हैशटैग, कि अब ये सोशल मीडिया में एक हैशटैग के रूप में यूज किया जाने लगा, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। फ्राइडे फॉर फ्यूचर ये एक हैशटैग है जिसे सोशल मीडिया में यूज किया जाने लगा और सोशल मीडिया में बहुत ही पॉपुलर हो गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, द रिमेनिंग पोर्शन यू विल रीड इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।